नमस्कार दोस्तों, आज हम यम्मी रसगुल्ले बनाना सीखेंगे। वैसे तो ये बंगाल की फेमस रेसिपी है, पर रसगुल्ले हर किसी को बहुत पसंद होते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध को विनेगर डालकर उसका छेना बना लिया था और इसे एक कपड़े में लपेट कर रख दिया था। तो देखिए, हमारा छेना बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। घर पर ही दूध से फुल फैट मिल्क से छेना कैसे बनाया जाता है, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी। अब हमें इसे हाथ से अच्छी तरह से मसल लेना है। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। छेना को हमें अच्छी तरह से नीट करना है ताकि इसके कण जो है ग्रैन्यूल्स वो आपस में मिल जाए और बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो। हमने छेना को 5 मिनट तक अच्छी तरह से मैश कर लिया है, पर अब हम इसमें 2 चम्मच मैदा मिलाएंगे। मैदा हम बाइंडिंग के लिए मिलाने वाले हैं। मैदे को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। हमने रसगुल्ले बनाने के लिए डो तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा घी लेंगे। अगर आपके पास घी अवेलेबल ना हो तो थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हाथ पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। आपको जिस शेप में रसगुल्ले बनाने हैं, छोटे या बड़े, उतना डो लेकर इसके बॉल बना लीजिए। मैं छोटे बॉल्स बना रही हूँ। इस तरह से हमें इसके बॉल बना लेने हैं। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। जितना छेना मैंने बनाया था 1 लीटर दूध में, उतने में मैंने 10 बॉल बनाए हैं। और अब हम चाशनी तैयार करेंगे। मैं यहाँ छोटे छोटे 10 रसगुल्लों के लिए चाशनी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक कटोरी से नाप कर 3/4 कटोरी चीनी ले ली है। इसमें 1 कटोरी पानी डाला है। अब हम इसे गैस पर चलाकर इसकी चाशनी बना लेंगे। इसे हिलाते रहना है, इससे चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी और चाशनी जलेगी नहीं। रसगुल्ले बनाने के लिए हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी की आवश्यकता नहीं है, बस हाथ में थोड़ी सी स्टिक हो जाए, ऐसी पतली चाशनी बनकर तैयार होनी चाहिए। चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें तैयार रसगुल्ले डालेंगे। गैस को मीडियम आंच पर रखना है। चाशनी उबलते रहने चाहिए। जब हम रसगुल्ले डाल रहे हैं तो ये उबल रही है, देखिए। अगर गैस की आंच एकदम स्लो कर देंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे। शुरू शुरू में इसे चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, इसे ऐसे ही पकने देना है। आप देख सकते हैं, थोड़ी देर उबलने के बाद इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, ये फूलने लगे हैं। रसगुल्ला चाशनी सोख कर लेता है और ये फूलने लगता है। अब इसे चम्मच से थोड़ी देर के लिए हिला सकते हैं। हमने इन्हें 10 से 15 मिनट तक
उबाल लिया है और ये चाशनी पर तैरने लगे हैं। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। रसगुल्लों को बाउल में निकाल लिया है, इन पर चाशनी डालेंगे। एक चम्मच की मदद से इसका दबा कर देखते हैं, देखिए कितने नरम रसगुल्ले बने हैं। ये आसानी से टूट रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट यमी रसगुल्ले बनकर तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।